कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाका गांव निवासी सिलोचना वंशकार ने पुलिस अधीक्षक कटनी से लिखित शिकायत करके अपने पति की हत्या की शंका जाहिर करते हुए आवेदन दिया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की बात कही। दरअसल चाका निवासी अनिल वंशकार की 11/9/2021 की मौत हुई थी। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव की महिला गोमती ठाकुर को 5,000 रुपये उधार दिए थे, लेकिन वापस मांगने पर महिला ने गुंडागर्दी करते हुए अपने 5 साथियों के साथ घर आए और मृतक को लाठी डंडों से सर पर मार कर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो इस मामले में मृतक की पत्नी को एक्सीडेंट का केस बताकर मामले में कोई कार्रवाई न करने की बात कही है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि लगातार वह कई दिनों से चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और परेशान किया जा रहा है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने संज्ञान लेते हुए जाँच कराने की बात कही है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया में नहीं दी जा रही है। थाना गए थे, वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। PI साहब के पास भी गए थे ऑफिस, उन्होंने डाक के भगाया कि हरामखोर निकलो, अंगूठा छापो, अनपढ़ गवारो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग की कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर वहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हुआ क्या था? हमने गोमती ठाकुर को पैसे दिए थे 5,000 रुपये। पैसा मांगने के कारण उन्होंने ना देने के कारण विवाद बना लिया। आज लाठी डंडा लेके आ गए मारने के लिए। मेरे पति घर में अकेले थे, मैं मायके गई हुई थी, और उन्होंने मेरे पति ने दरवाजे लगा लिए। जब लाठी डंडा देखा 10-12 लोगों को, तो उन्होंने दरवाजे लगा लिया था। फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं तो तू शाम को तो मिलवाई करेगा, देख लेंगे तेरे को शाम को। ये दुकान गए हैं शाम को 5 बजे, फिर 7:30 बजे फोन आया कि इनका मर्डर हो गया। अच्छा, तो इसके लिए आप कहाँ गई हैं? गई थी कलेक्टर ऑफिस। ये विभाग पुलिस विभाग का मामला है। हाँ। SP ऑफिस गई थी क्या? अच्छा, पति का क्या नाम था? अनिल कुमार जैन। आपका क्या नाम है? सुलोचना। आपका मायका कहाँ है? बरही।